शिकोहाबाद में हाफ मैराथन का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने किया प्रतिभा। हाफ मैराथन में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। पूरा मामला नगर शिकोहाबाद में आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के मैदान से जुड़ा हुआ है। रविवार को नगर में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैराथन में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे से अनिल कुमार के संयोजन में करीब 1,500 से अधिक बच्चे आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां से हाफ मैराथन को 3 हिस्से में विभाजित किया गया, जिसमें 21 किमी, 10 किमी तथा छोटे बच्चों के लिए 3 किमी की दूरी को तय कराकर इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के मैदान से की गई, जिसमें एके कॉलेज के प्राचार्य मोकम सिंह यादव व कार्यक्रम आयोजक अनिल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन कॉलेज से शुरू होकर पालीवाल चौराहा, नारायण होटल, तहसील तिराहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार, एटा तिराहा, मैनपुरी तिराहा होते हुए NS2 से होते हुए एक एक कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों को निकालने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया था। ये हाफ मैराथन किया गया है, नेताजी की यादगार में लोगों ने कराया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे शहर के लिए, पूरे शहर में जन जागरूकता बढ़ेगी और लोगों में इसका रुझान बढ़ेगा इस प्रकार का। और पेशे से ये इंजीनियर बीटेक किए हुए हैं और इस प्रकार का रुझान है, ये बहुत अच्छी चीज है अनिल के लिए और अनिल अपने कैरियर में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ऐसी मेरी कामना और शुभाशीष। ये शुकावास में पहली हाफ मैराथन रेस हो रही है, इसका उत्साह कुछ और बताने के लिए नहीं, कई हजार बच्चे दौड़े हैं। करखा रनर्स करके इसके डायरेक्टर हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने सभी के सहयोग से एक अद्भुत संगम उपस्थित कर दिया है। मैं तो बाइक से देख रही थी, बहुत बेहतरीन। क्या इस रैली का उद्देश्य क्या है मैराथन रैली? देखिए, इस रैली का उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य वो नेताजी भी हैं माननीय मुलायम सिंह जी, उनको समर्पित ये रैली थी। और चूंकि उनके अंदर स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट थी उसको एक तरीके से करखा रनर से दिखाया, लेकिन आज पूरा शुकाबाद दौड़ रहा है। मैं देख रही थी हर एज ग्रुप का व्यक्ति दौड़ रहा है। सौरभ जी, आज ये क्या कार्यक्रम है? मैराथन दौड़े और एक एक कॉलेज से स्टार्ट हुई है, मैनपुरी चौराहे से और सुभाषराय से होते हुए एक एक कॉलेज में समाप्त हुई है। आप किस कॉलेज से हैं? ACMD कॉलेज। कार्यक्रम में? सर, मेरा नाम सुलास राणा है और मैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र हूँ, ACMD का। और सर, यहाँ पे एक कॉलेज से हम लोगों की दौड़ स्टार्ट हुई थी, मैराथन दौड़ स्टार्ट हुई थी। यहाँ से मैनपुरी चौराहा है, उसके बाद सर सौराष्ट्र आया, उसके बाद सर यहाँ पे दोबारा से रूट लग के फिर आपके एक कॉलेज में ख़त्म हुई है। और मैं अपने जितने भी मेरे ACMD के जो छात्र हैं उन लोगों को और सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कम्प्लीट किया और हमने भी कम्प्लीट किया। हम आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से दौड़ें और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। मेरा नाम कामिनी चौधरी है और मैं हाफ मैराथन में मैंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। कामिनी चौधरी मेरा नाम है, CS फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, ACMD कैंपस में मैं पढ़ती हूँ। वहाँ के HOD सर और जो मतलब चेयरमैन सर हैं उनके उससे हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे जो दौड़ में हिस्सा लिया और मतलब जीता भी, पूरी कंप्लीट भी करी, स्टेशन से होके पूरा स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीट भी किया बहुत अच्छे से। और एक कॉलेज से ये स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छे से मतलब नॉर्मल तरीके से सब लोगों ने, ACMT वालों ने अच्छे से किया और सारे लोग यहाँ पे उपस्थित भी हैं। और कुछ लड़कों ने, कुछ भैया ने 21 किलोमीटर में भी हिस्सा लिया था, उन्होंने भी कम्प्लीट किया है। एक भैया का 5 नंबर में वो आया है, इनका 5वां नंबर आया है 21 किलोमीटर में। और हम लोगों ने जितनी भी गर्ल्स थी उन्होंने सबने 10 किलोमीटर में हिस्सा लिया था। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।